मौजूदा समय की हम बात करें तो शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि कोई गांव आज ऐसा भी होगा जहां ना तो स्वास्थ्य केंद्र है, ना आंगनवाड़ी केंद्र, और इसके अलावा ना ही उस गांव में पंचायत के लिए पंचायत घर की व्यवस्था है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही है। हमारी टीम अमरोहा जिले के खालकपुर गांव पहुंची, जहां के ग्राम प्रधान सतपाल सिंह हैं। उन्होंने बताया कि उनके गांव के लिए स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत घर की बहुत जरूरत है। उनके द्वारा गांव में 135 शौचालय बनवाए गए हैं, जबकि उनका कहना है कि उनके गांव को कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला है। जी हां, तमाम दावों के बावजूद भी ये गांव आज भी विकास के लिए तरस रहा है। अगर यहां की भौगोलिक स्थिति की बात हम करें तो कुल जनसंख्या यहाँ की 1512 है और 1007 कुल मिलाकर यहाँ वोटर हैं। राशन कार्ड धारकों की संख्या पे अगर हम जाएं तो 411 राशन कार्ड धारक हैं और 21 परिवार ऐसे हैं जो आज तक अपना राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं। इस गांव की स्थिति को देखने के लिए टीम ने जगह जगह पर पड़ताल की तो पाया कि गांव विकास के मामले में जहां तक ग्राम निधि की बात है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब सरकार की बात आती है, जिनका निर्माण सरकार के द्वारा होना चाहिए वो निर्माण कार्य यहाँ आज तक नहीं हुए हैं। बताते चलें कि ब्लॉक से इस गांव की दूरी 15 किलोमीटर और थाने से दूरी 12 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। ABPS न्यूज से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके गांव को तमाम ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जो गाँव के लोगों की सबसे पहली ज़रूरत है। अगर शिक्षा के स्तर की हम बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में मात्र 38 और जूनियर हाई स्कूल में 36 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। हैंडपंप भी यहाँ 10 रिबोर होने हैं और 30 कुल मिलाकर संख्या यहाँ मौजूद है, लेकिन 10 और हैंडपंप ये गांव मांग रहा है। तो साथ साथ बिजली की व्यवस्था में भी काफ़ी पीछे ये गाँव दिखाई दे रहा है। गाँव खालकपुर कला, ग्राम पंचायत खालकपुर कला, नया पंचायत बहादुरपुर ब्लॉक अमरोहा। मेरे गांव में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, जो कि बच्चों को दिक्कत आती है, और मेरे गांव में बारात घर नहीं है, गरीब लोगों की बारात है, आने में दिक्कत पड़ती है, रास्ते कच्चे ज़्यादा हैं, सारे पैसे इतना पैसा नहीं आ रहा जो सारे रास्ते बनवा दूँ, और कई चीज़ों की समस्या है, जैसे पानी का निकास नहीं है, एक नाला नहीं है, तो पैसा इतना नहीं है जो उस नाला 400-500 मीटर नाला जो उसे बनवा दूँ, गाँव वालों को दिक्कत होती है।